गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप ऑल आर यू फिट एंड फाइन। टुडे वी स्टार्ट अ न्यू चैप्टर ऑफ हिस्ट्री, चैप्टर 2, न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। हम सेकेंड चैप्टर शुरू कर रहे हैं और इसके बारे में हम पढ़ेंगे, यानी कि नए जो राजा और उनका साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट, टुडे इज योर टॉपिक इज कीवर्ड्स। आज आप इन न्यू वर्ड्स को अपनी नोटबुक्स में लिखेंगे और साथ में इस चैप्टर से रिलेटेड एक्टिविटी पहले बनाएंगे और उसके बाद चैप्टर 2 नंबर डालेंगे और नेम डालेंगे, फिर टॉपिक डायग्राम आप जो बनाना है बनाएंगे उस चैप्टर में से, 2 में से। उसके बाद आप लिखेंगे टॉपिक न्यू वर्ड्स। ये स्टूडेंट हिस्ट्री का चैप्टर 2 है। अब आइए, फर्स्ट है ट्रपेटाइट। ट्रपेटाइट क्या है? हैविंग 3 पार्ट्स, यानी कि किसी भी चीज़ के 3 पार्ट्स हों और इन्वॉल्विंग 3 पार्टीज, और उसके अंदर 3 पार्टीज भी इन्वॉल्व हों। सेकंड इज ट्रीटी, ए फॉर्मल एग्रीमेंट। ये एक फॉर्मल एग्रीमेंट है बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज, यानी कि 2 कंट्रीज़ के बीच में या 4 कंट्रीज़ के बीच में या 5 कंट्रीज़ के बीच में कोई भी एग्रीमेंट होता है उसे हम ट्रीटी कहते हैं। थर्ड वन इज़ प्लंडर। प्लंडर होता है टू लूट, यानी कि किसी भी प्रकार की जो लूट प्रक्रिया होती है उसे प्लंडर कहा जाता है। फोर्थ इज़ बूटी। बूटी होता है ए वैल्यूएबल थिंग स्टोलन और लूटेड बाय सोल्जर्स इन द टाइम ऑफ वार। किसी भी युद्ध के टाइम में कोई वैल्यूएबल चीज़ थिंग्स होती हैं उनको स्टोलन यानी चुरा ली जाती हैं तो उसको बूटी कहा जाता है। फिफ्थ इज गजनीज। गजनीज है रूलर हु हेल्ड फ्रॉम गजनी। गजनी के अंडर में जो रूलर है रूल्स करते हैं उन्हें गजनीज कहा जाता है। नाउ इज क्रूसेड। क्रूसेड ए लॉन्ग एफर्ट टू अचीव समथिंग, यानी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट करने चाहिए तो हम अच्छी क्वालिफिकेशन या फिर अच्छे मार्क्स हम अचीव करते हैं। तो सेम इसी प्रकार से क्रूसेड होता है कि हमें लंबे समय से हम किसी चीज़ का एफर्ट कर रहे थे और हम अचीव कर लें किसी चीज़ को तो उसे हम कहते हैं क्रूसेड। नाउ इज सेवन्थ दुआब। दुआब जो है द फर्टाइल लैंड बिटवीन द गंगा एंड यमुना रिवर्स, यानी ये एक फर्टाइल लैंड है, उपजाऊ भूमि है जो कि गंगा और यमुना रिवर के बीच में जो रीजन है उसको हम दुआब कहते हैं। दीज आर योर कीवर्ड्स स्टूडेंट्स। यू शुड राइट इन नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग इन योर फेयर नोटबुक ऑफ हिस्ट्री। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।